अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। तो आज की वीडियो में आपको एक जंगली जो कबूतर होता है वो दिखाऊंगा। वो मैंने रेस्क्यू किया है ताकि उसकी लाइफ जो है बच जाए। तो अभी सारे मेरे जो कबूतर हैं वो अभी इधर आए हुए हैं मिट्टी वगैरह खाने के लिए। तो जो जंगली है वो अभी वहाँ पर गया हुआ है। आप देख सकते हैं, डरता है काफ़ी मुझसे। तो उसको वापस कबूतरों में मिक्स करते हैं। तो वापस इसको हम अपने कबूतरों के बीच मिक्स करते हैं ताकि ये इनके साथ सेट हो जाए। तो इसको घर पर रखने की वजह यह है क्योंकि इसके जो पर हैं, किसी ने इसके पर निकाल दिए थे। और अब देखते हैं ये क्या करता है, कहाँ जाता है, घर जाता है या फिर कहीं छुपने की कोशिश करता है। फिलहाल वो तो सीधा घर की ओर जा रहा है। और एक बेबी ये थोड़ा सुस्त लग रहा है, बीमार सा लग रहा है। और इसको भी उड़ाते हैं ताकि ये भी घर जाए, नहीं तो अभी कोई गाड़ी आई तो उसने इसकी चटनी कर देनी है। उड़ तो नहीं सकता ये, लेकिन वो वाली फीमेल जो है वाइल्ड वाली, वो तो सीधा घर ही जा रही है। तो अब देखते हैं कि ये हमारे घर पे सेट हो सकती है कि नहीं। तो बाकी पिजन के साथ ये अपनी लाइफ सरवाइव कर सकती है या फिर भाग जाती है या फिर क्या करती है। बाकी आपको कुछ और पिजन जो है वो भी दिखा देता हूँ। तो अब केज में जाने की कोशिश कर रही है, और जो मेरा पैरट है वो मैं अपनी फेवरेट जगह पर बैठा हुआ है मेरे बाजू पे। अब फ़ोन को देख के थोड़ा आगे आया है। तो बिल्कुल थोड़ी टाइम के लिए मुझसे दूर नहीं होता है, मतलब जब देखता है, जब भी केज से बाहर निकालो तो सीधा आके मेरे बाजू पर बैठ जाता है। और बाकी कुछ बेबी पिजन है वो भी दिखा देता हूँ आपको मैं आप इसी वीडियो में। तो अब शो कीजिए, मतलब सभी को एक साथ ही दिखा देता हूँ आपको मैं आज इसकी वीडियो में। वो ये तीन, एक खाने में और एक ये बेबी है और एक ये अभी यहाँ पे गया है। तो इस वाली मादी ने फिर से अंडे रख दिए हैं और दोनों अंडे इसने रख दिए हैं। और तो इन दोनों का पेयर है, उसके बाद एक पेयर बेबी का ये है। तो ये वाली, वही वाली आ गई जो जंगली मादी है, वो ये है, कैसे सहमी हुई है। लेकिन काफ़ी अरसा किसी ने अपने पास रखी है, नहीं तो जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा, ये बहुत कम फड़फड़ा रही है। मतलब देखिए आप, इतना वैसा नहीं फड़फड़ाती जैसा कि जंगली जब शुरू शुरू में करते हैं। तो एक बेबी पेयर ये तैयार हो रहा है, और उसके बाद ये वाली फीमेल है, इसने भी शायद आपको दिख रहे होंगे दोनों चूज़ों के सर। ये मुझे लगता है अभी जस्ट ही अंडे से निकले हैं, और कितने क्यूट क्यूट हैं। चलो अभी इनको हाथ नहीं लगाते हैं क्योंकि अभी बिल्कुल छोटे हैं। तो बाकी ये रहे सारे, कुछ इनको दाना डाल के सबका शो करवा देता हूँ एक ही साथ में। तो ये हैं कुछ सारे मेरे, अभी कुछ आ रहे हैं। और दो दिन से मैं घर पे नहीं था, और उसका मुझे एक बहुत बड़ा लॉस हो गया है। एक मेरी फुल ब्लैक वाली फीमेल थी, वो कहीं भाग गई है। कुछ ही दिन हुए थे उसको लाए हुए और वो भाग गई है। मुझे उसका बहुत दुख है। ट्राई करूँगा कि वो मिल जाए, जहाँ कहीं भी हुई उसको ढूंढने की कोशिश करूँगा।
तो अगर मिल गई तो आपको वो भी उसका शौक भी करवाऊँगा। तो बाकी कुछ ये हैं तो कुछ कहीं आगे पीछे हैं। तो जितने भी मेरे बर्ड लवर भाई हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि मैं आपके लिए ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो बनाता रहूं और आपको अपने सारे बर्ड्स का शौक करवाता रहूं। तो देखते हैं, कुछ टाइम के बाद मैंने हर किस्म के जो बर्ड्स हैं वो लाने और फुल शौक करना है अपना और आप लोगों का भी। उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रखना पड़ेगा ताकि आप भी उनका शौक कर सको। तो ठीक है, यहीं पर हम वीडियो को क्लोज़ करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, और वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना।